1 मिनट। हाँ शायद वो एक मिनट में देख लूँ, वो मैंने शायद क्लोज कर दी एक्चुअली, पेज मैंने क्लोज किया जाकर, हमारा फाइल एक्चुअली अपलोड हो गया थे। अब देखिए ये हमारे सामने आपके जो फाइल्स हैं जो मैंने अपलोड की थी वहाँ पे आ गए हैं टैब फोर डायरेक्टरी में। तो अभी हमने क्या करना है कि डायरेक्टली रन करने हैं डेटाबेस। आप देख रहे हैं डेटाबेस मेरा एम्प्टी है आपके सामने यहाँ पर, आपको क्योंकि डेटाबेस कोई भी मेरे पास इसी डेटाबेस की हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ओके तो ये तो एक्चुअली काम नहीं करेगा अभी, विकास मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले ओपन किया था जो आपको मैंने बताया था कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अभी उस पर जाएंगे इसको अगर हम थोड़े बहुत क्लोज कर ले तो कोई खास इशू नहीं है कि ज़्यादा ओपन हमारे पास ना हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, IoT747.com ये सर्वर है हमारे पास, हम डिफॉल्ट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। मैंने ओपन किया तो अभी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि डुप्लीकेटर्स का यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स का। ओके शायद मुझे एक्चुअली ये एरर जो आ रहा है ना, मैं शायद इस सर्वर की रूट एक्सेस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको फाइल को नेम दे दूँ ना ये फिर मुझे अलाउ करेगा एज, अगर मैं गलत ना हो तो। क्या सम टाइम पर सर्वर के जो होती हैं रूट पे एक्चुअली आपको परमिशन नहीं होती। देखिए अभी हम हमारे पास आ गया है, मतलब ये होता है ना कि आप रूट के सारे फाइल्स को देखना नहीं, मतलब कि मैं रूट एक्सेस कर लूँ तो मुझे पता चले कि सर्वर की एक सिक्योरिटी भी होती है हमारे साथ, ये कि फॉर एग्जाम्पल सर्वर की रूट पे क्या क्या पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखिए हमारे साथ ये आ गया है, अब हम क्या करते हैं, एम्प्टी डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है जो हमने बनाया हुआ था आपके सामने, ये डेटाबेस है इसकी क्रेडेंशियल है मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली डेटाबेस नेम लेता हूँ, ये देखें एम्प्टी डेटाबेस है हाउस, ठीक है डेटाबेस नेम ये है हमारे पास, यूजर मैंने आपके सामने क्रिएट किया हुआ था ये, इसका सॉरी पासवर्ड है, पहले खैर पासवर्ड एंटर कर लेंगे, ये पासवर्ड हो गया और ये हो गया इसका यूजर नेम, ये जी उसका यूज हो गया यूजर नेम हो गया। चलो जी अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं वैलिडेट। अच्छा ये वैलिडेशन वगैरह होती है, वैलिडेशन क्या होती है एक्चुअली, वैलिडेशन ये होती है आपके पास कि मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं फिर आपको सम टाइम इश्यू ना हो कि आया हमारा सर्वर जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे है कि नहीं है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता दूं। समटाइम्स देखिए कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अपलोड साइज कितना होना चाहिए, आपका PHP डॉट NI फाइल एक्चुअली होती है उसमें मैक्सिमम अपलोड साइज हमारे पास कितना होना चाहिए, मतलब और भी काफी सारे पैकेजेस होते हैं कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट में चला जाओ मल्टी एडिटर पे तो ये अब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा दोबारा कि मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे फिर कुछ नोटिस मिसमैच है, तो मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या है। यू आर मिसिंग साइट फ्रॉम PHP, अच्छा यू आर माइग्रेटिंग साइट फॉर PHP 8.5 बिकॉज लोकली मैं सर्वर पे वैम पे खुद 8+ यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सर्वर पे 7.43 है, लेकिन ये वार्निंग्स है। वार्निंग किस लिए होती है, वार्निंग इसलिए होती है कि शायद कोई ऐसा आपके पास प्लगइन हो या कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट PHP 8 है, इसमें फिर अगर ये इस तरह का कुछ है फिर आपका ये वेबसाइट जो होगा शायद आपको कुछ वार्निंग दे, कुछ एरर भी देना शुरू कर दे, बिकॉज जो भी आपका PHP अपाची जो वर्जन होता है अपडेटेड होता है तो उसमें सम टाइम जो होता है कुछ चीज़ें जो होती है उसके सपोर्ट वो नहीं देते, मतलब ये हो कि वो चेंज होती है, तो ये भी आपने नोट करना है कि एक्चुअली होती क्या है। डेटाबेस नोटस है, डेटाबेस के भी सेम वन नोटस है, मैं यूज़ करूँ 5.3 और यहाँ पर है 0.311 है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नोटस है एरर रही है, तो इसलिए मुझे कोई इशू इस तरह का मेरे ख्याल में नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन मैंने आपको जल्द समझा दिया है कि होती क्या है। अच्छा अभी आगे कुछ नहीं है, रीड ऑल दी
मैंने रीड कर दी, कोई मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, क्लिक हो जाए कुछ लिखते। ठीक है, ये हो गया है, इंस्टॉलेशन कंफर्मेशन मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू पाथ, ठीक है, ये बिल्कुल साइट मेरा डे फोर पे होगा, पब्लिक एचटीएमएल डे फोर पे मेरे न्यू पाथ बनेगा। ये मेरा लोकल होस्ट है, नेम है, यूजर है, बिल्कुल जनाब, एवरीथिंग इज सेट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ये क्या, इसने कुछ मुझे लगता है एरर दे दिया है। अच्छा, एक बार बार शायद मैंने क्लिक किया है, 1 मिनट, लेट्स ट्राई इट अगेन। 1 मिनट, मैं इसको दोबारा एक्चुअली लोड कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, ये कह रहा है इनकरेक्ट हैश पैकेज, जी कोई मैंने गलती की है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ ना कि ये जो फाइल्स हैं एक्चुअली इसने जो क्रिएट किए हैं, कोई मिड में इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, कोई दरम्यान में एरर आ गई है कि मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर सकूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉलर को। अच्छा, ये चूंकि आगे चला गया था तो इसलिए मुझे कह रहा है पेज नॉट फाउंड, तो मैं डेव फोर पे दोबारा आ जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा इंस्टॉलर पे। ये अभी इनिशलाइज कर लेगा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास सेव हो, लेकिन मेरे पास यूजर नेम सेव यहाँ पे नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या था, यूजर था, ये मेरे पास पासवर्ड था, और ये मेरा है डीबी, सॉरी, हाँ डीबी, ठीक हो गया। इसको मैं वैलिडेट करता हूँ, ठीक हो गया है, हो गया है, आई हैव रीड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड नेक्स्ट, ओके, चेकिंग आर्क योर फाइल्स, तो ये अभी स्टार्ट कर लेगा। अच्छा, अभी लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ, एक तो ये कि मैंने टू थ्री टाइम इसको क्लिक किया, तो शायद अपने गलती से कोई फाइल मल्टीपल, लेकिन ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी इशू आ सकता है। अच्छा, इंस्टॉल पाथ गुड गुड एडमिन लॉगिन, तो ये हमारे पास क्या है, अभी ये हो गया है, ठीक है। अच्छा, एडमिन लॉगिन, मैं जाता हूँ एडमिन लॉगिन पे, तो ये वही हमारे पास एडमिन 1 2 3 4 5 6 है, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा ये क्या है, दिस साइट हैज बीन सक्सेसफुली माइग्रेटेड, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, ये आप देख ले, इंस्टॉलर वगैरह, डब्ल्यूपीकेशन वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर जाऊँ, हाँ इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर पहले डुप्लीकेटर है, स्मश है, आप और भी प्लगइन्स यहाँ पर देख ले, जो हमने ऑटोमाइज किया हुआ था, तो हमारे पास जो कंप्लीट वेबसाइट है वो अभी सर्वर पे रनिंग है। अगर मैं आपको चल बता दूँ IoT7471.com/dev4, तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे नजर आएगा, ये देखें। अच्छा, अच्छा ये वही इशू कर रहा है, थोड़ा समय वापस बता हूँ इसको, मैं कोई मैं कोई सर्वर में मुझे लगता है कोई किसी ब्राउजर में कोई इशू है, नहीं कुछ किसी की होती, इसलिए मुझे बार बार उसकी रिडायरेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वेबसाइट में कोई इशू नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन अभी मैं अगर ट्राई करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ले चीजें। अच्छा, अभी आपके सामने है, हमारे पास क्या है, देखिए ये कुछ रन हो गया है, तो अब बट्टा पे कुछ इशू लग रहा है, लेकिन लोड हो जाए, लेकिन नहीं है, ये लोड नहीं हुआ। तो अभी आपके सामने जो है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डेट फाइल क्रिएट किया, और मेरा वेबसाइट मेरे ख्याल में अगर नेट वगैरह इशू ना करे तो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं विद इन 10 to 15 मिनट, एवरीथिंग विल बी अप इन द सर्वर। मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, अगर नेट वगैरह अच्छा हो, मेरा नहीं चाहिए 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी ले लें, 10 से 15 मिनट हम अपने वेबसाइट जो है वो अपना अप कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको समअप करूँ, समअप का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपको बता दूँ, देखिए हमने क्या किया, एक्चुअली हमने आज स्टार्ट किया था पेजेस क्रिएट करना, जब हमने पेजेस क्रिएट किए तो उसमें हमने लास्ट टाइम स्टेटिक कंटेंट एलिमेंटर में हम कैसे काम करेंगे वो मैंने आपको करा दिया था। आज हमने क्या किया कि वो एलिमेंटर के साथ साथ नीचे जो हमारे पास और भी
डायनामिक कंटेंट है कि हम फॉर एग्जांपल शॉर्ट कोड वगैरह किस तरह लेकर आएंगे, अगर कहीं किसी का भी हो तो हमने शॉर्ट कोड वगैरह का इस्तेमाल किया, और उसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो हमारे पास एक प्लगइन है, वेल नोन प्लगइन है, उसको किसी भी पेज में डायनामिकली लेकर आने के लिए उसको मैं आपको बता दिया था। होम पेज जो मेरे पास शायद अभी भी एक्टिव होगा नीचे, यह है डायनामिक फॉर्म, इसको हम किसी भी पेज में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह हमारा होम पेज। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने प्लगइन जो है, मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। हाँ, अभी तो हम एक्चुअली थे सर्वर पे, तो अभी आपके सामने सर्वर पे सब कुछ रनिंग है, तो हमने ये दो FTP पे फाइल को चेंजेस करना, सर्वर पे लोड करना, ये चीजें सीख ली हैं। तो ये मेरे ख्याल इतना ही था, तो बाकी इसमें कोई काम नहीं, बाकी तो जो भी काम है हम सर्वर पे भी कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं वापस अपने क्रोम पे आ रहा हूँ, जो हमारे पास लोकली वेबसाइट है उसकी एक्चुअली में आ रहा हूँ। तो अभी जो है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दूसरा प्लगइन यूज करें, जो मैं नॉर्मल प्लगइन की बात कर रहा हूँ आपको, लेट्स से आप गैलरी प्लगइन्स है, कोई इवेंट बुकिंग कैलेंडर प्लगइन है, मतलब कोई भी प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है, स्लाइडर प्लगइन है, आपको कहीं पे स्लाइडर चाहिए, लेट्स से मुझे कोई इमेज गैलरी चाहिए, ठीक है, तो मैं आता हूँ एक प्लगइन आपको लोड करता हूँ, और फिर उसको एलिमेंटर के थ्रू एक पेज में बनाता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा जल्दी में, ठीक है, मैं पेज बनाता हूँ एक जल्दी, तो टाइम कम है लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बता दूँ। अच्छा, ये मैं जल्दी जाता हूँ पेजेस पे, एड न्यू पेज, पेज में कोई भी फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ। हाँ, मैं ऐड करता हूँ माय गैलरी, गैलरी मैं डायरेक्टली इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ व्यू पेज, इसको मैं नोट टैब में ओपन करता हूँ, इसी को भी एलिमेंटर्स में मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, और साथ मैं वापस जाता हूँ डैशबोर्ड के, बिकॉज आपको मैंने बताया कि मैंने ये जो एलिमेंटर्स के हमारे पास अवेलेबल गैलरी है, मैंने वो यूज नहीं करने, तो मतलब है कि इसका जो शॉर्ट कोड होते हैं वर्डप्रेस के, वो हम किस तरह यूज करेंगे वो? किस तरह बिहेव करता है डायनामिक कंटेंट एलिमेंटर म्यूचुअल होते हैं, तो गैलरी हो या स्लाइडर हो फॉर एग्जाम्पल,
अच्छा, आई थिंक जस अब ऑफलाइन हो गए। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। एक मिनट मुझे दे, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ एक्चुअली किया था कि हम एक्चुअली यहाँ पे ऐड कर रहे थे गैलरीज का, तो मैं दोबारा पता नहीं कहाँ चला गया वो पेज। हाँ यहाँ पे है, मैं दोबारा से लॉग आउट करता हूँ। हाँ ठीक हो गया। अब मेरे पास देखिए काफ़ी सारे स्लाइडर्स हैं, तो आप इसके डाउनलोड वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सा हमें स्लाइडर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डिटेल पे जाते हैं तो हम इसकी स्क्रीन शॉट वगैरह भी देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन शॉट हमारे पास कहाँ पे है। यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट्स होंगे, देखें कि गैलरी हमारे साथ किस तरह स्लाइडर नजर आएगा, तो ये एक्चुअली स्लाइडर होगा। अभी अगर आपको हम इस तरह का स्लाइडर चाहिए तो क्या है, ये भी है दो तीन, मतलब इसके वो वेरिएशन चार पांच हैं, तो है मेरे घर में, यही ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन। एक मिनट, हमने किस पे क्लिक किया था? हाँ इस पे क्लिक किया था, इसको भी हम देख सकते हैं वैसे। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ डिटेल नकली कैसे, मतलब ये एक्चुअली स्लाइडर आपको किस तरह चाहिए, तो आप उसी तरह का स्लाइडर जो है यहाँ पे पहले पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह नजर आएगा। स्मार्ट स्लाइडर है, लेकिन मेरे ख्याल में बस वही ठीक है जो पुराना वाला था। इनको इंस्टॉल करता हूँ। हाँ इससे पहले हम जब ये तक इंस्टॉल हो, प्लगइन हमने इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम की हुई है, यहाँ पे मैं कंटेनर ऐड करता हूँ और इसका कंटेनर का जो साइज है बॉक्स के अलावा फुल वेट करता हूँ कि मेरे पास जो गैलरी है वो एक्चुअली फुल वेट आ जाए। मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मैं कंटेंट एलिमेंटर्स यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं वहाँ पे गैलरी प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ और उसको फिर डायनामिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज़ किया करेंगे। तो लेट्स पहले थोड़ा सा ये जल्दी इंस्टॉल हो जाए। जी ये हमारे पास आ गया है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। हाँ अच्छा, अब ये देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल क्लियर ब्लैंक स्लाइड शो मैंने क्रिएट करना है, मतलब एक्चुअली इसको प्लगइन को हमने तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस वगैरह जो है क्रिएट अ स्लाइड शो है, इमेज स्लाइड शो है, कैप्चर स्लाइड शो है, मतलब कोई भी हमने ऐड करना है। मैं कैप्चर करता हूँ इमेज स्लाइड शो, क्रिएट अ स्लाइड शो।
वहां से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी। अच्छा अब देखिए हमारे साथ क्या है, वो हो गई है तो हम क्या करेंगे, एड स्लाइड करेंगे एक्चुअली न्यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड स्लाइड, वापस चला जाता हूँ उस पे, ये क्यों नहीं कर रहा, ये कुछ वार्निंग भी नहीं कि मुझे। अच्छा ये तो क्या है, स्लाइड वार्निंग दे रहा है, थोड़ा सा वेट देने की वजह से आज समय वापस जाता हूँ इसके होम पे। ठीक है, ये स्लाइड तो है लेकिन इसके हमने भी स्लाइड ऐड करने हैं, कुछ मसला कर रहा है हमारे साथ। मैं थोड़ा सा दोबारा ब्राउज़र करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही याद नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है प्लगइन ठीक है लेकिन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से इसको ट्राई करते हैं, मेटल स्लाइडर्स। हाँ ये दो मैंने पेड़ के लिए, एक मैं ट्रैश करता हूँ वैसे, मतलब मेरे को इशू कोई नहीं है लेकिन मैं इसको जस्ट ट्रैश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई इशू आ रहा है इसमें, एक मिनट ट्राई करते हैं, ये तो हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। यहाँ पर कुछ इसका वो भी आया हुआ है हमारे पास, तो वार्निंग, इसमें तो वार्निंग कुछ चेक कर दो, मुझे वार्निंग क्या दे रहा है, चेक करता हूँ थोड़ा, इसके ऊपर थ्रेडिंग आया हुआ है। मेरा स्लाइडर रिक्वायर GDR इमेज मेजर प्रिपरेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर हॉस्टिंग प्रोवाइडर। अच्छा इसलिए तो मुझे, मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ हमारे पास वार्निंग है ऊपर आ रही भी है, तो रिक्वायर्ड GDR इमेज मेजर, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, इस पे अपाची पे आते हैं, अपाची एक्सटेंशन पे आते हैं, तो यहाँ पर GD2 की लाइब्रेरी है तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैजिक मैजिक तो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कोई GDB की डिटेल्स फाइल्स शायद इसकी मिसिंग हुई, इसलिए मेरे साथ मसला कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए कर रहा है कि मेरे पास कुछ डिटेल फाइल मिसिंग है। चलो इस तरह करते हैं ना, हमने क्योंकि सर्वर पे भी इशू किया हुआ है, तो लेट्स कंटिन्यू ऑन द सर्वर। थोड़ा सा मैं आपको तरीके बता दूँ, बाकी की इशू नहीं है, बजाय के लिए टाइम बहुत कम है मेरे पास आज, इसलिए मैं थोड़ा बजाय के इसमें लग जाओ, उसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे पता है। स्लाइडर मैं वही सेम तरीका जो है आपको यहाँ सर्वर पे सिखा रहा हूँ, तो स्लाइडर स्लाइडर कौन सा था, ये वाला हमारे पास था, तो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जब तक ये अस्सलाम इंस्टॉल हो। वालेकुम सर।
सर यहाँ पे नेट का थोड़ा मसला था ना सर, काइंडली आप हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का फिर से जरा 1-2 मिनट में बता दें, तब तक ये स्लाइडर भी आई थिंक डाउनलोड हो जाएगा। ये बैक एंड में नहीं डेटाबेस के सर साथ हम आपको इसको मतलब, किस तरह से कनेक्ट करते हैं? सी पैनल के साथ नहीं, हम अब ऑफलाइन कर रहे हैं ना, हम लोकल होस्ट पे, तो हम अच्छा ये वेम्प में एक, लेट सपोज कि एक डेटाबेस बनाएंगे, सिंपल डेटाबेस, उसका एक टेबल बनाएंगे लॉगिन के लिए, उसको हम अपने साइट के साथ, ऑफलाइन साइट के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे, और इसका ज़रा हमें बस हमें समझा देंगे नहीं तो सर आप नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी। आप वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, सर किसकी ये साइट आपने की? सी 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 वर्डप्रेस में ना, सी पे वर्डप्रेस को हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना, डेटाबेस के साथ, अपने डेटाबेस के साथ, वेम में डेटाबेस बना के। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी देखो, एक तो ये है ना कि हम इंस्टॉल करते हैं, दूसरा ये है कि अगर हमने बनाया हुआ है तो हम फॉर एग्जांपल दूसरी जगह पे करते हैं तो ठीक है मैं कर देता, अभी हमने वैसे इसको कर लिया था लेकिन कोई इशू नहीं, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ किसी और पे मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा सर, थैंक ठीक है, यू। अच्छा हाँ मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं थोड़ा सा ये आता हूँ ना एक्टिवेट, अब देखें इस प्लगइन को फिनिश करके फिर मैं आपको वो दोबारा सिखा देता हूँ। अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्लाइडर जो है मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या करता हूँ, क्रिएट स्लाइड शो विद योर इमेजेस, मैं सेलेक्ट फाइल्स करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ मेरे पास कोई बैनर्स किस्म के इमेजेस वगैरह पड़े हों तो मैं, एक मिनट मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको चला जाऊँ ram64 www. पब्लिक कार गैलरी, हाँ ये इमेजेस इंशाल्लाह मेरे पास थोड़े बड़े साइज के होंगे इसलिए मैं थोड़ा अपलोड कर रहा हूँ बड़े के, 100% सेलेक्ट फाइल्स, और मैं ऐड करता हूँ ये वाली सेलेक्ट फाइल्स, मेरे ख्याल में इनफ है मेरे साथ, चलो एक और भी ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ब्लैंक स्लाइड शो नहीं, मैं इमेज स्लाइड शो क्रिएट अ स्लाइड शो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्लाइड शो आपके लिए क्रिएट, नो थैंक्स छोड़ दिए इसको, अच्छा नहीं यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट नहीं हुई है मैंने, स्लाइड शो के तो डाल दी। अच्छा थैंक्स फॉर यूजिंग मेटा स्लाइड टू गेट स्टार्ट लाइक एड स्लाइड बटन्स, हाँ अच्छा ये हमारे पास वैसे सैंपल्स आ गए हैं कुछ, लेकिन चलो ये लास्ट टाइम अगर आपको पता हो ना कुछ इशू कर रहा था, मैंने आपको बताया ना कि इशू कर रहा है, मैं अगर और स्लाइड ऐड करना चाहूँ इमेजेस वगैरह मेरे पास यहाँ पे लोडेड हैं, मैंने इमेजेस लोड की हुई है अभी, अगर वो नहीं भी आ रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे, अगर नहीं भी आए तो हम दोबारा इसको कर सकते हैं, तो मैंने लोड तो किए बस पता नहीं वो क्यों नहीं है, लेकिन लेट मी अपलोड अगेन वन, और ये इसको मैं करता हूँ स्लाइड का अभी लोड नहीं है, जैसे ही लोड होगा तो मेरे यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगा बटन, हो गया देखिए यहाँ पर ये मेरा स्लाइड आ जाएगा, ये आ गया। अभी अगर मुझे कोई स्लाइड डिलीट करना है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, तो ये अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ पहले से क्योंकि एडिड है, तो मैं कार की क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, फिर ये इनफ है, अपलोड फाइल सेलेक्ट, हाँ एक मिनट वन, अगर मैं शायद टू करी तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, ये भी एक चीज है, ये भी मेरे को टू स्लाइड क्रिएट कर देगी एक्चुअली, सॉरी थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ये इमेजेस वगैरह जो है थोड़ी हैवी हैं।
ये अब देखते हैं अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो कनेक्टेड है। इसको मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, एक को माइनस, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए, एक क्योंकि हमने इमेजेस वगैरह हम बाद में लोड कर सकते हैं। हमारा काम थोड़ा ये है कि हम स्लाइड्स वगैरह का किस तरह डायनामिक क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कि जब लोड हो तो आपको मैंने बताया ना, एक और चीज़ जो है, हम एक्चुअली पेज हमने कस्टम क्रिएट करना था, तो पेज जो हमारा होगा वो, अगर मैं क्या कर दूँ, एक्चुअली यहाँ पर मसला भी कर रहा है डेव कोर पे, लेकिन मैं जाता हूँ अगर ये ओपन इसके लिए, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। नहीं बल्कि इधर भी ऐड में मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट पहले ये हो जाए थोड़ा सा। हो रहा है चीजें, ये भी अपलोड हो रहा है, मैं कैंसिल करूंगा तो इशू बनेगा, पहले तो दोबारा करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, सॉरी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हमारे पास चलो ऑलरेडी 3-4 स्लाइड हैं, तो इसी को देख लेते हैं, बिकॉज टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी मैंने गैलरी को सेव किया, यहाँ से आप स्लाइड सेट कर सकते हैं, स्लाइड की विड्थ हाइट को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इफेक्ट यहाँ पे होंगे, एरोस चेंज करेंगे, इस पे बाद में आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए जाऊँ, मेटर स्लाइडर है, ओपन लिंक न्यू टैब करूँ आपको, तो आपको यहाँ पे उसका जो स्लाइडर्स है देखें, ये नज़र आ जाएगा। ये एक्चुअली वो कोड होते हैं जो हम किसी भी प्लगइन्स की आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी आपको चाहिए। तो हमने क्या किया कि आपको बताया था, कि मैंने आपको ये बताया था कि हम करेंगे क्या कि एक पेज बनाएंगे, मैं इसको न्यू विंडो में ओपन कर रहा हूँ, और पेज को बना के हम एक न्यू पेज बनाएंगे। लोकल में मैंने बनाया हुआ था, लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्रोम एक इशू आ रहा है नेट की वजह से। आर यू नॉट वर्किंग? आर यू तो आ रही है, हेलो हेलो, नहीं आ रही। टाइम टीचर मुझे कंफर्म कर दिया, ऐसा ना हो कि मैं इस तरह लगूं और आपका आवाज मेरी ना आ रहा है। माय गैलरी, और मैंने इसको पब्लिश किया, पब्लिश, ओके ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये मेरे पास गैलरी मेरी पब्लिक शुरू की है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा देखिए, बिल्कुल ब्लैंक है हमारे साथ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर्स करता हूँ, जो माई गैलरी वाला पेज है। क्या क्या मैंने एक पेज बनाया आपके लिए माई गैलरी, और उसमें भी सर्वर पे अभी हम क्या करेंगे, उस पे फुल पेज स्लाइडर्स ऐड करेंगे हम एक्चुअली। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा ऐड करता हूँ, और इसको जाके मैं करता हूँ फुल वेट 100%। और ये जो कंटेनर्स है ना, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अब मेरे पास फुल विड्थ आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से ऐड नहीं करूंगा, अब दो तरीके हैं वैसे, एक और भी है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास, आपको मैंने बताया था कि वर्डप्रेस में डायनामिक कंटेंट होते हैं, कि मेरे पास कोई गैलरी का वो आया तो नहीं है। हाँ ये देखिए, ये आया हुआ है, अभी मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि आप ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ कॉन्टेक्स्ट फॉर्म 7 और WP फॉर्म्स के लिए, तो मैं अभी करता हूँ क्या, यहाँ से अभी शॉर्ट कोड को मैं कॉपी करता हूँ, मैं क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली कॉपी कर जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको तरीके मैंने बताया, तो मैं यूज क्या करूंगा कोड, यहाँ पर होता है हमारे पास, बिकॉज इस तरह की चीज आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी जब वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे होंगे, डायनामिकली चीजें। एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए कोड कोड जनरल में शायद होता है, सर्च करते हैं कोड। हाँ, ये शॉर्ट कोड, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब शॉर्ट कोड में मैंने क्या करना है, एक्चुअली ये मेरा शॉर्ट कोड बन गया, तो मैंने वहां से जो कोड कॉपी किया था, मैंने यहाँ पर मेटा स्लाइडर कॉपी कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, वो ये है कि इसको पे मैं अप्लाई करता हूँ, मैंने अप्लाई किया,
अब मेरे इमेज साइजेस है वो थोड़े से क्या कर रहे आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ वापस जाके जहाँ पे मेरी गैलरी बनी हुई थी, तो इसको मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल हाइट में करता हूँ इसका 500 और इसे करता हूँ 1200, थोड़ा सा साइज बढ़ जाए। पेड़ वगैरह का बाद में देखते हैं,